तो स्टार्ट करते हैं विद दिस जब भी हम टेबुलेशन मैथड करते हैं तो जो भी हमारे मीन टर्म्स होते हैं उनको हम क्या करेंगे डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे डेसिमल इधर लिखते हैं और इनका बाइनरी इक्वेलेंट इधर लिखते हैं ठीक है फर्स्ट नंबर क्या है जीरो तो इसका जीरो 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 ये पोजीशन क्या है ए बी सी डी क्योंकि ये वेरिएबल मैंशन है नाउ वन के लिए क्या हो जाएगा जीरो 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 वन नेक्स्ट इज़ थ्री थ्री के लिए क्या हो जाएगा जीरो ज़ीरो वन वन सेवन के लिए क्या हो जाएगा जीरो वन 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 एट के लिए क्या हो जाएगा वन ज़ीरो 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 नाइन को हम में क्या लिखते हैं वन जीरो ज़ीरो वन इलेवन को क्या लिखते हैं वन ज़ीरो वन वन ठीक है एन फिफ्टीन फिफ्टीन को क्या लिखते हैं वन 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 ठीक है 1, 1, 1, 1, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम नंबर ऑफ वंस के हिसाब से ग्रुपिंग करते हैं तो ग्रुप बनाते हैं तो सबसे पहला ग्रुप हमारा क्या होगा जीरो का बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जीरो है कोई भी वन नहीं है अब नेक्स्ट होगा नंबर ऑफ वन जिसमें वन टाइम हो तो पहला हमारा आएगा वन ठीक है ये यूज हो गया नेक्स्ट हमारा आएगा एट ठीक है और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें सिंगल वन हो नाउ टू के लिए तो सबसे पहले हम लेंगे थ्री को नेक्स्ट हमारा क्या होगा नाइन ठीक है नाउ अब कोई और ऑप्शन नहीं है अब हम थ्री जिसमें नंबर ऑफ वन थ्री टाइम्स हो तो हमने पहले लिया सेवन को नेक्स्ट हमारा क्या होगा इलेवन ठीक लास्ट हमारा क्या होगा फिफ्टीन ठीक है तो ये हमारा ग्रुप फॉर्म हुआ अब हम क्या करेंगे स्टेप वन का रिडक्शन जिसमें हम पेयर्स फॉर्म करेंगे क्या करेंगे हम रिडक्शन ठीक है तो हमारा जो फर्स्ट होगा इस ग्रुप को फर्स्ट ग्रुप को हम सेकंड के साथ सेकंड को थर्ड के साथ थर्ड को फोर्थ के साथ एंड फोर्थ को फिफ्थ के साथ कंपेयर करेंगे. So, करेंगे तो जीरो को वन के साथ कंपेयर करेंगे तो पेयर बनेगा बिकॉज देयर इज सिंगल बिट चेंज एक बिट का ही चेंज होना चाहिए और जहां चेंज होगा वहां हम डैश मार्क करेंगे ठीक है नाउ वन और एट भी पॉसिबल है सॉरी जीरो और एट भी पॉसिबल है तो जीरो और एट का पेयर बनेगा पहले बिट चेंज है रिमेनिंग ऑल सेम है ठीक है तो ये बिटिक अब इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो वन और थ्री भी पॉसिबल है वन एंड थ्री नाउ यू कैन सी जीरो जीरो सेम पर चेंज है लास्ट बिट सेम है तो ये क्या हो जाएगा जीरो जीरो डैश वन जहां चेंज होगा वहां डैश मार्क करेंगे नाउ वन थ्री बना वन एंड नाइन भी बनेगा तो वन नाइन इसकी आप देखो पीछे की तीनों बिट सेम है पहले बिट में चेंज है तो डैश जीरो जीरो वन ठीक है नाउ अब हम एट को कंपेयर करेंगे विथ थ्री तो ऊपर का नंबर हमारा छोटा होना चाहिए तो एट और थ्री तो पॉसिबल नहीं है एट और नाइन ये पॉसिबल है स्टार्टिंग थ्री बिट्स आर सेम लास्ट बिट में चेंज है तो वन जीरो जीरो डैश ठीक है थ्री एंड सेम हमको देखते हैं पहली बिट सेम है दूसरी बिट में चेंज है पीछे की दो बिट सेम है तो पॉसिबल है थ्री सेवन तो क्या हो जाएगा जीरो चेंज वन वन यहां हमने टिक मार्क जो यूज होते जा रहे हैं उसको टिक मार्क करना जरूरी है ठीक है नाओ थ्री एंड इलेवन अगेन पॉसिबल है तो थ्री एंड इलेवन फर्स्ट बिट में चेंज है रिमेनिंग थ्री बिट्स आर सेम तो यहाँ पे टिक मार्क हुआ नाउ अब नाइन को सेवन से करेंगे ये तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज नाइन इज ग्रेटर देन सेवन तो नाउ नाइन और इलेवन को करेंगे तो यहाँ पॉसिबिलिटी है तो हमारा नेक्स्ट पेयर क्या होगा नाइन इलेवन का फर्स्ट बिट सेम सेकेंड बिट सेम थर्ड बिट चेंज फोर्थ बिट सेम ठीक है नाउ अब हम करते हैं सेवन को फिफ्टीन के साथ तो दिस इज possible. फर्स्ट बिट में चेंज है रिमेनिंग थ्री बिट्स आर सेम तो ये यूज हो गया इलेवन एंड फिफ्टीन को कंबाइन करेंगे तो ये भी फर्स्ट बिट सेम सेकेंड बिट चेंज लास्ट टू बिट्स आर सेम ठीक है तो ये हमारा जो बना ये हमारा पेयर का रिडक्शन था ये हमने पेयर्स बनाए अब हम बनाएंगे क्वार्ट्स क्वार्ट्स के लिए जब हम बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम क्या ऑब्जर्व करेंगे सेम प्लेसेस के डैश को तो जैसे मैंने यहाँ देखा यहाँ देखा इन दोनों में ही सेम प्लेसेस पे डैश है तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व पीछे की तीन बिट दोनों की ही सेम है फर्स्ट बिट में चेंज है मीन्स कि ये कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा क्या होगा जीरो वन एट नाइन पहले बिट में डिफरेंस था तो डैश रिमेनिंग दो सेम थी तो डैश पहली बिट में चेंज था तो डैश रिमेनिंग सेम थी तो ये ठीक नाउ अगर जीरो वन एट जीरो वन एट नाइन का बन रहा है तो जीरो एट वन नाइन का भी पॉसिबल होगा चेक कर सकते हो आप या डायरेक्टली टिक मार्क कर सकते हो मैं टिक मार्क कर देती हूँ आप देखो डैश जीरो जीरो डैश ठीक है तो इससे हमारा क्या होगा टाइम सेव हो जाएगा ठीक है ना नेक्स्ट हम चेक करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड प्लेस पे है तो सेकंड प्लेस पर कहाँ है इसके साथ है तो नाओ वन थ्री और नाइन इलेवन पहली बिट में चेंज सेकेंड बिट सेम थर्ड बिट सेम फोर्थ बिट सेम मीन्स हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वन थ्री नाइन इलेवन यहाँ पे पहली बिट में डिफरेंस डैश सेकेंड बिट सेम तो जीरो थर्ड बिट इज सेम डैश फोर्थ बिट इज सेम मीन्स वन नाउ अगर वन थ्री नाइन इलेवन है तो वन नाइन थ्री इलेवन भी बनेगा और हम उसको यही लिखेंगे तो वन थ्री नाइन इलेवन तो हमने बना ही लिया था इसको टिक कर दिया और वन नाइन और थ्री इलेवन को भी टिक कर दिया ठीक है क्योंकि ये कवर हो जाएंगे अब हमारा जो कॉम्बिनेशन बचा बच्चा यहाँ है सेकंड प्लेस पे तो नाउ इसको देखो और आप इसको देखो पीछे की तीनों बिट सेम है पहली बिट में चेंज है तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन थ्री सेवन इलेवन फिफ्टीन पहले बिट में चेंज है मीन्स डैश पीछे की तीन बिट सेम है तो ये भी यूज हो गया ये भी यूज हो गया अगर ये बन रहा है तो थ्री इलेवन सेवन फिफ्टीन भी बनेगा मीन्स थ्री इलेवन कवर्ड है सेवन फिफ्टीन भी कंबाइन होगा ठीक है तो सबके क्वाड बन गए अब हम अगर इसको आगे ऑक्टेड बनाने की कोशिश करें तो नाउ यू कैन सी कि डैश की पोजिशन सारी डिफरेंट है means, नहीं बनेगा तो यही हमारे लास्ट होंगे अब हमारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स लिखते हैं प्राइम इम्प्लिकेंट्स डैश की ये ए बी सी डी है तो इसके लिए क्या हो जाएगा बी एंड सी अवेलेबल है और दोनों ही जीरो है तो दिस इज बी बार सी बार यहां पर बी अवेलेबल है जीरो है डी अवेलेबल है वन है ठीक है यहां पे सी एंड डी है तो ये हो गया सी डी तो

मीन टर्म्स दे रखे हैं वो हम यहाँ लिखेंगे तो जीरो है देन वन है देन थ्री है देन सेवन है देन एट है देन नाइन है देन इलेवन है एंड देन फिफ्टीन है ठीक है तो दीज आर द मीन टर्म्स अब हम क्या करेंगे हमारे जो ये प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं जिसको जिसको कवर कर रहे हैं उनको हम टिक करेंगे जीरो वन एट नाइन ये किसे कर रहा है वन थ्री नाइन इलेवन ये किसे कर रहा है थ्री सेवन इलेवन फिफ्टीन ठीक है नाउ अब हम इसमें से वो फाइंड आउट करेंगे जिस कॉलम में सिंगल टिक हो तो so नाउ पहला सिंगल टिक यहाँ सिंगल टिक यहाँ सिंगल टिक और यहाँ सिंगल टिक ठीक है तो so नाउ हम सबसे पहले कॉलम से स्टार्ट करते हैं तो हमारा F इज इक्वल टू सिंगल टिक इसके करस्पॉन्डिंग क्या है B बार C बार नाउ इसने जिसको कवर किया उसको हम क्या मार्क करेंगे क्रॉस की ये हमारा कवर्ड हो गया जीरो क्रॉस हो गया वन क्रॉस हो गया एट क्रॉस हो गया नाइन क्रॉस हो गया नाउ अब हम इस कॉलम को देखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी सिंगल टिक है और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है सी डी तो क्या आएगा सी डी नाव इसने किससे कवर किया थ्री को किया सेवन को किया और इलेवन फिफ्टीन को किया नाउ यू कैन सी कि जितने भी मीन टर्म्स के कॉलम थे सारे के सारे क्रॉस हो गए मीन्स सारे के सारे कवर्ड हो गए अब हमें फर्दर चेक करने की ज़रूरत नहीं है दिस इज द दल्यूशन थैंक यू